हेलो एस्पिरेंट्स, टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया है अंतिम अवसर सेल सिर्फ 4 दिनों के लिए 27, 28, 29 और 30 नवंबर 2022, जहां पर आपको सुपर कोचिंग के कोर्सेज पर मिलेगा 90% तक का ऑफ और 18 महीने की वैलिडिटी वाला टेस्ट बुक पास मिलेगा सिर्फ ₹299 में। तो जाइए, इस ऑफर का लाभ उठाइए इससे पहले ये ऑफर गायब हो जाए। मैं गायब हुआ हूँ लेकिन ऑफर नहीं। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिएगा, जल्दी जल्दी मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल गाइस? जल्दी से बता दीजिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विंसम बॉयज, गुड इवनिंग शुभम पात्रा जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वैभव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और हम आपके अपने सेशंस में यहां पर आपका स्वागत कर रहे हैं। तो भैया यहां पर देखो, ये मैं तुम्हें एक चीज बताने वाला हूं कि भैया यहां पर आज का जो सेशन है भाई बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि आज है अंतिम दिन। किसका? अंतिम अवसर सेल का। और यदि हम बात करें तो कुछ ही घंटे बाकी बचे हुए हैं। कितने? कुछ ही घंटे बाकी बचे हुए हैं। और जो कुछ ही घंटे बाकी बचे हुए हैं, इस कुछ घंटे के अंदर बिल्कुल आप यहां पर एनरोलमेंट ले सकते हैं। चाहे आप जेके एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप डब्ल्यू वेस्ट बंगाल पीएससी के लिए कर रहे हैं, चाहे आप हरियाणा पीएससी के लिए कर रहे हैं, यूपीएमआरसी के लिए चल रहे हैं, सभी के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन में कंप्लीट कोर्स कवर अप होने वाला है, वो भी एईजेई सिविल का कोर्स, जिसमें 60% प्लस 30% आपको ऑफ मिलने वाला है। और अगर हम 60% प्लस 30% ऑफ की बात करते हैं तो 60% प्लस 30% ऑफ के बेसिस पे हमें क्या मिलेगा? यहां पर हमें मिलेगा 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी, 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी। तो यहां पर हमारे एक लकी विनर हर घंटे एक लकी विनर मोबाइल फोन भी जीत सकते हैं। और यह पूरा सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 12 मंथ का, अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ एक्स्ट्रा, मतलब 18 मंथ का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, जिसकी प्राइसिंग है ₹14,999, आपको मिल रहा है केवल ₹4,199। लेकिन इसमें और भी डिस्काउंट चाहते हैं क्या? अगर और भी डिस्काउंट चाहते हैं तो यहां पर एक कोड अप्लाई कर देना। वो कोड क्या है? वैभव। अगर वैभव कोड अप्लाई करते हो तो वैभव कोड अप्लाई करने पर आपको यही सब्सक्रिप्शन केवल ₹3,800 में मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप इस चीज के लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं यहां पर किसी भी तरीके के लिए, ठीक है? तो किसी भी तरीके के यहां पर कोर्सेस, एईजेई कोर्सेस को कवर आप। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, आपका फ्री मॉक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट के साथ साथ लाइव डाउट सेशन निकल के आएंगे, लाइव डाउट सेशन के साथ साथ क्या होंगे, आपके स्ट्रेटजी सेशन होंगे। और आपको मिलने वाला है यहां पर फ्री मॉक टेस्ट, जो कि आपके टीचर्स आपके साथ बैठ करके यहां पर देने वाले हैं। तो आप देखेंगे किस तरीके से आपके टीचर्स क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हैं और किस तरीके से आपको सब्जेक्ट का एनालिसिस करना है। तो बिल्कुल यार, लगा डालो कोड वैभव, और वैभव कोड जैसे ही लगाओगे वैसे ही आपको मिलेगा 3800 में 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन। और यदि हम बात करें तो और भी ज्यादा हम बात करते हैं यहां पर कि आपको मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है कितने में? 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन केवल और केवल ₹2,800 में, केवल केवल कितना? ₹2,800 में मिलने वाला है। तो यार बिल्कुल इसको एनरोल करो, अंतिम कुछ घंटे बचे हुए, तो क्लास खत्म होते ही इसको एनरोल कर लो या क्लास के बीच में ही आप इसको एनरोल कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो बिल्कुल फायदे का सौदा है। फिर मत बोलना सर प्रिपरेशन नहीं हो रही, कहां से पढ़े? क्योंकि देखो यूट्यूब सेशन तो आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार हमें डीप नॉलेज चाहिए पड़ती है। तो इस कोर्सेज के थ्रू आपको मिलेगी एक डीप नॉलेज, जिससे आप चीजों को हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा समझदार हो जाएंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, ठीक है? ठीक है, गुड मॉर्निंग। अब कोई नहीं बोलेगा सर गुड मॉर्निंग बोल दिया, इतनी देर से गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं सर आप। चलो, इंजीनियर जाग चुका है, क्योंकि इंजीनियर जाग चुका है तो पहला, जब इंजीनियर जाग चुका है तो पहला क्वेश्चन यहां पर आ गया। हाँ, पहला क्वेश्चन यहां पर आ गया है। पहला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ, पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ। अरे इंजीनियर जाग गया है या नहीं? भविष्य का यही जाग चुका है, बिल्कुल जाग चुका है सर, बिल्कुल जाग चुका है और बिल्कुल अपने होश में है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देगा और सेशन को शेयर करेगा, जल्दी से सेशन को शेयर करो, अपनी 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 प्रेजेंस मार्क करो, बहुत बढ़िया। तो विच
which method is adopted to develop an approximate or conceptual estimate? एक approximate और conceptual estimate को develop करने के लिए कौन सा method use किया था? For perimeter works. किसकी बात कर रहे हैं? Perimeter works. अगर perimeter works की बात करें तो ये linear measurement हुआ या नहीं? ये कैसा मेजरमेंट हुआ? ये हुआ हमारा लीनियर मेजरमेंट सर, ये लीनियर मेजरमेंट हुआ। और लीनियर मेजरमेंट की अगर मैं बात करी तो एक डायमेंशन ही मेजर किया जाएगा, तो उसके बेसिस पे अगर हम देखें, उसके बेसिस पे देखें तो यहां पर कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर मेथड होगा, स्क्वायर मीटर मेथड एरियल के लिए होगा, कॉस्ट पर लीनियर मेथड लीनियर मीटर मेथड निकल करके आ सकता है, बिल्कुल सही है, लीनियर के लिए हो सकता है। बेस यूनिट मेथड जब लेते हैं, जब हम नंबर्स में काउंटिंग करते हैं, जो आइटम्स होते हैं उनकी काउंटिंग किसमें करते हैं? एक मिनट रुकिएगा, उनकी काउंटिंग किसमें करते हैं? नंबर में कर रहे होते हैं, तब हम बात करते हैं बेस यूनिट मेथड का, और कॉस्ट पर फंक्शन मेथड को हम यहां पर नहीं कर रहे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा ज्यादा बेहतर आंसर निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर 2 ज्यादा बेहतर आंसर है। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 2 इधर रहेगा सर। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन देगा भाई, जल्दी से बता दो, सेशन को शेयर करो और सेशन को लाइक करो जल्दी से यार, बहुत आगे आंसर दे दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, आज ही कोर्स परचेज किया है, रिकॉर्डेड क्लास शो नहीं हो रही बेटा, रिकॉर्डेड क्लास शो हो जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लास शो हो जाएंगी। मैं देखो हर संडे को मैं लेता हूं ओरिएंटेशन एंड स्ट्रेटजी प्रोग्राम, जिसमें आपको पूरा बताऊंगा कि एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज करना है, कोर्सेस कहां से किस तरीके से आप एक्सेस करेंगे, तो वो क्लासेस मेरे स्ट्रेटजी सेशंस में आपके पड़े होंगे, आप वहां पर जाकर के देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तपस्या जी ठीक है, रेस्ट सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाओ, इस सैटरडे फिर हम रात को 10:30 बजे कनेक्ट होंगे, रात को 10:30 बजे कनेक्ट होंगे और हम बात करेंगे आपकी और हमारी बात, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो हम यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पर सॉल्व करते रहते हैं, डिस्कशन ग्रुप भी है, आपको सारे चीजों की लिंक वगैरह भी मिलती रहती है, तो वहां से आप यहाँ पर एड, तो टेलीग्राम में एड हो जाइए, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी डिस्कशन होता है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहां पर सॉल्यूशन दे दूंगा, इंस्टेंट नहीं होगा बट हाँ कुछ समय बाद 1-2 घंटे या बहुत से 24 घंटे के अंदर आपको सॉल्यूशन जरूर मिल जाते हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो तो सभी लोग बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वैभव सर सुपर कोचिंग, और लिंक पिन अप की गई है चैट बॉक्स के ऊपर। चलो ठीक है, तो हमें व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉर्निस, कॉर्निस क्या होता है तुम्हें पता है? कॉर्निस जो तो वैसे वो जो यहाँ पर बॉल जाती है, ये बॉल जा रही है, ये बॉल है, बॉल पे ऐसा निकलता हुआ एक ऑर्नामेंटल वर्क करते हो या नहीं, ये बॉल पे यहां पर निकला, यहां पर पतली सी स्ट्रिप टाइप की लगी होती है, वो हमारे क्या कहलाता है? कॉर्निस। और कॉर्निस का जो मेजरमेंट होता है इस तरीके से दिखाई देगा, ये कॉर्निस दिखाई देगा, ठीक है। तो कॉर्निस की बात करो, साइड से कैसा दिखाई देगा? साइड से कॉर्निस कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये साइड से यहां पर साइड व्यू में ऐसा दिखाई देगा। तो जो कॉर्निस की बात कर रहे हैं, कॉर्निस का मेजरमेंट किसमें करते हैं? तो कॉर्निस का मेजरमेंट जो किया जाता है वो किसमें? रनिंग मीटर में किया जा रहा होता है। नंबर में किसका किया जा रहा? डोर्स फ्रेम वगैरह का जो मेजरमेंट होता है वो नंबर, सॉरी डोर्स का यूनिट जो होता है उसका हम मेजरमेंट हम करते हैं नंबर्स में करते हैं। क्यूबिक मीटर में क्या करते हैं? क्यूबिक मीटर का एग्जांपल दो, ब्रिक वर्क, आरसीसी वर्क, ये सारा किस में करते हैं? हम क्यूबिक मीटर में कर रहे होते हैं, ठीक है। स्क्वायर मीटर में क्या कर रहे हैं? स्क्वायर मीटर में कौन से करते हैं? एरियल वर्क जो भी होगा, एरियल वर्क में कौन सा होता है? जो डैडो वर्क होता है, डैडो वर्क वो हमारा एरियल वर्क हुआ या नहीं, डैडो वर्क, प्लास्टरिंग वर्क, पेंटिंग वर्क, ये सारे किसमें करते हैं? हम बात करते हैं यहां पर स्क्वायर मीटर में हम कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें वहां से स्क्वायर मीटर में की जाती हैं, तो ये कंडीशन निकल करके आती है। तो सेकंड की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। थर्ड नंबर की बात करें, विंसम बॉय है क्या? विंसम बॉय, आप जेकेएसएसबी के लिए ये कोर्स ले सकते हैं, बिल्कुल मैंने वेरीफाई कर लिया है, जेकेएसएसबी पूरा कंप्लीटली कवर हो जाएगा सुपर कोचिंग के इस एईजेई कोर्स के साथ, ठीक है। और अभी आज मौका है, लास्ट कुछ अर्थ बचे हुए हैं, आप इसको कंप्लीटली ले लीजिएगा सब्सक्रिप्शन को। नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड द ग्राउंड फ्लोर इज कॉल्ड, ग्राउंड लेवल और ग्राउंड फ्लोर के बीच में जो पोर्शन निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल और ग्राउंड फ्लोर के बीच में जो पोर्शन निकल के आता है उसको हम प्लिंथ बोलते हैं। और प्लिंथ की बात करें तो प्लिंथ को हम बात करते हैं कि इसकी हाइट कितनी होती है, तो मिनिमम कितना? 15 सेंटीमीटर से लेकर के 45 सेंटीमीटर तक हमारा प्लिंथ निकल करके आता है। प्लिंथ कितना निकल के आता है? 15 से 45, लेकिन अप टू सर्टेन केस में अगर गैराज वगैरह का केस होता है वहां पर 60 सेंटीमीटर तक भी एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। 60 सेंटीमीटर तक भी यहां पर प्रीवियस लेक्चर सारे मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे,
ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक कंडीशन निकल कर के है। हाँ आदिल अंसारी जी, एफएम के क्वेश्चन लाए, देखो तुमने पुकारा और एफएम चलाया, देखना भी तुम तो फाउंडेशन की बात करते हैं, फाउंडेशन नहीं होगा, बॉल नहीं होगा और लिंटल। अच्छा लिंटल का मेजरमेंट किसमें करते हैं, कोई मुझे बताएगा लिंटल का मेजरमेंट किसमें करते हैं, लिंटल का मेजरमेंट किसमें करते हैं? तो लिंटल का मेजरमेंट भी कितना है, रेनफोर्स ब्रिक वर्क में काउंट होता है, और रेनफोर्स ब्रिक वर्क का मेजरमेंट किसमें होता है, मीटर क्यूब में निकल करके आ रहा होता है, मीटर क्यूब में निकल करके आ रहा होता है, तो मीटर क्यूब में हम इसका मेजरमेंट कर रहे होते हैं। थर्ड नंबर, तो फोर्थ नंबर की बात करें भैया, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आदिल जी ने पुकारा और हम चले आए, वाह वाह वाह, ठीक है, तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, हम आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टाफ इफ द स्टाफ रीडिंग आर 1.56 मीटर, 2.05 मीटर, 2.56, मतलब तीन यहां पर 2.56 दे दिया है, 2.05 दे दिया है और 1.56 दे दिया, तो स्टाफ इंटरसेप्ट कितना निकल के आया, हायर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग 2.56 माइनस 1.56, यानी कितना आएगा भैया हमारा, आ जाएगा 1 मीटर निकल करके आ जाएगा, ये हो गया 1 मीटर। तो क्या बोल रहे हैं भैया, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 दे दिया है और एडिटिव कांस्टेंट 10 दे दिया है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो, तो D इज इक्वल टू कितना होता है सर, के एस प्लस सी होता है, तो K की वैल्यू सर 100 दे दी गई है इंटू 1 प्लस सी की वैल्यू 10, तो कितना हो गया 110 मीटर निकल करके आ गया है सर, हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो राइट आंसर निकल करके आ गया। अब तुम बोलो सर इसमें डिटेल बताओ, तो डिटेल क्या बता दूं, एनालेक्टिक लेंस का केस होता है, ठीक है, लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा, लास्ट ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है यार, अभी मत देखो ऐसे 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 मत देखो लास्ट ऑप्शन, क्योंकि तुम्हारे दूसरे में आंसर मिल जाना है, मैं कर दूंगा उसको, जहां भी जरूरत होगी उसको हटा दूंगा, ठीक है, अरे पूरे ऑप्शंस मत देखो अभी, चलो ठीक है मैं हटा दूंगा, बस थोड़ा सा रुक जाओ, जिस क्वेश्चन में रिक्वायर होगी मैं अलग कर दूंगा, काहे परेशान होते हो यार बच्चा बच्चा, जब तुम्हारे सर खड़े हुए हैं यहां पे, अच्छा ये बताओ सर ने तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर देते हैं या नहीं, बिल्कुल, तो सर खड़े हुए तो काहे परेशान होते हो यार। फोर्थ की बात करते हैं, फिफ्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, अब देखो इसमें सब कुछ दिख रहा है, फ्लो इज टर्बुलेंट, ये लिखा हुआ है फ्लो इज टर्बुलेंट, फ्लो इज टर्बुलेंट, ठीक है, तो यहां पर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर हम बात करते हैं, आप कोई बोलेगा सर वेस्ट बंगाल पीएससी में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा सा कर लो, अभी जो नए डाटा मैंने दिया हुआ है उसमें सारे जो नहीं है वो हटा दिए, ठीक है, चलो बैठ जाओ सर, ठीक है बैठ जाता हूं सर, बैठ गए लो सर, बैठ गए तो ये पढ़ाई ठप हो जाएगी, चलो बहुत बढ़िया। तो क्या हो रहा है, आयलर्स इक्वेशंस फॉर द मोशन ऑफ लिक्विड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस दैट द, किस अजम्पशन पे बेस्ड है ये, इस अजम्पशंस पे बेस्ड है कि फ्लो इज स्ट्रीमलाइन होगा, गलत है, फ्लो टेक्स प्लेस कंटिन्यू, गलत है, ये किसके, बर्नौली के हम बात करते हैं, यहां पर निकल के जा सकते हैं, फ्लो इज होमोजीनस एंड इनकम्प्रेसिबल, हमारा ये अजम्पशन निकल करके आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, और 6 का आंसर तुमको बताना है, 6 का आंसर तुमको बताना है, जल्दी से आंसर बताओ, थोड़ा सा जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, 6 का आंसर क्या होगा, चलो तो हम बात करते हैं, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन इज द स्पीड ऑफ एन इमेजिनरी टर्बाइन, इज द स्पीड ऑफ इमेजिनरी टर्बाइन, ठीक है, आइडेंटिकल आइडेंटिकल विद द गिवन टर्बाइन बिज, identical with the given turbine is, which identical with the given turbine is, ठीक है, तो develops unit horsepower under the unit head, तो हम आगे identical with the given turbine which is develops unit horsepower under the unit head, तो हमारा option number 3 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, right options निकल करके आएगा, option number 3 जो होगा तो हमारा right options निकल करके आएगा, तो 6 की बात करें option number 3 is the right answer। सेवेंथ नंबर की बात करो, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की बात की जा रही है, किसकी, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की बात अगर हमसे की जा रही है, तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मूवमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या निकल गया है, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेटजी और टाइम मेंटेन बिल्कुल हम करवा देते हैं, बिल्कुल करवा देते हैं, एक बार फिर से हम वापस आएंगे अपनी बिल्कुल
ताबड़तोड़ तरीके से प्रहार करेंगे और ताबड़तोड़ तरीके से प्रहार करेंगे, ठीक है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द बेंडिंग मोमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए देखें और बेंडिंग मोमेंट के टर्म में देखें तो कैसा निकल करके आता है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसा निकल के आता है बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो देखो बेंडिंग मोमेंट के लिए जो डायग्राम निकल करके आएगा वो कुछ ट्राइंगुलर शेप में निकल करके आएगा, कैसा ट्राइंगुलर शेप में, तो वो कुछ ऐसा भी नहीं होगा, वो कैसा होगा वो हम बात करेंगे, कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा, इस तरीके से चेंजेस निकल करके आएंगे। तो यूनिट लोड के लिए हम ये कंसिडरेशन ले रहे होते हैं और यूनिट लोड के केस में जो हम निकाल करके लाते हैं वो क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से निकाल करके लाते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है। अब यहां पर देखा फॉर बेंडिंग मूवमेंट, ये तो होता है यूनिट लोड पॉइंट लोड के लिए, लेकिन अगर हमने बेंडिंग लोड बेंडिंग मूवमेंट लगा दिया, ये एम बेंडिंग मूवमेंट लगा दिया सिंपली सपोर्टेड में, क्या लगाया बेंडिंग मूवमेंट, तो कैसा आएगा डायग्राम, कुछ ऐसा डायग्राम निकल करके आएगा, कुछ ऐसा डायग्राम निकल करके आएगा। और ये जो डायग्राम हुआ ये किस शेप में हुआ, ये जो डायग्राम हुआ ये किस शेप में हुआ, ये हमारा हम बात करते हैं, हम बता दो कैसे बढ़ेंगे, चलो ठीक है बिल्कुल बिल्कुल करेंगे बिल्कुल बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर थ्री है जो है वो राइट आंसर निकल कर आएगा। सेवेंथ की बात करें तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो क्या होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें आज एक बार बता दूं, क्या समझना चाहोगे तुम क्यों सिलेक्शन से दूर रहते हो, तुम सिलेक्शन से दूर क्यों रहते हो, यह मैं तुम्हें बिल्कुल कड़वी सी बात बता सकता हूं, लगा तुम चाहो तुम, ठीक है। जो तुम्हारा सिलेक्शन रुका होता है उसका कारण क्या होता है तुम्हें पता है, बिल्कुल बता देता हूं मैं अगर तुम चाहो तो, लेकिन थोड़ा सा बुरा है, उसको एक्सेप्ट करना होगा तब जाके तुम चीजें मानोगे। गुड इवनिंग हर्ष जी, ठीक है। तो सेवेंथ की बात करते हैं, यहां पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री निकल कर, अगर सिलेक्शन चाहिए तो यह बात सुन लो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, बिल्कुल मधुकर जी, ठीक है। देखो क्या होता है, एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, दो मिनट एक मिनट की कहानी है, एक मिनट तुम्हारा लूंगा, कई बार पढ़ाई के अलावा ये सारी चीजें जानना भी जरूरी होती है कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों रुका हुआ है, सिलेक्शन क्यों रुका हुआ है, ठीक है। देखो क्या होता है कि एक बार एक छोटी सी एक प्रतियोगिता रखी गई, उसमें क्या थी, एक कम से कम 20 फीट चौड़ाई की खाई थी और वो 100 फीट गहरी थी, कम से कम 20 फीट चौड़ाई की थी और 100 फीट गहरी थी, मतलब ये था कि अगर तुमने वो उस खाई को पार नहीं कर पाया, तुम्हें दौड़ के आना था, एक प्रतियोगिता रखी गई थी कि 20 फीट की खाई जो भी पार करेगा, चलो 20 फीट नहीं तुम 10 फीट मान लो, 10 फीट या 15 फीट की मान लो, जो भी इसको पार करेगा तो उसको दिया जाएगा एक प्राइस, वो भी कम से कम 10 करोड़ रुपए का, समझ लो बात को, ठीक है। तो उसमें यह था कि कोई भी आपको सेफ्टी मेजर्स नहीं पहनना है, किसी भी तरीके की सेफ्टी मेजर्स नहीं पहनना है, अगर आप नीचे गिरे तो सीधे ऊपर जाए वो, ठीक है, ये कंडीशंस थी, नीचे गिरे तो ऊपर जाओगे, फॉर्म वॉर्म सब भरवा लिया जा रहा था। अब अच्छे अच्छे एथलीट आए उसको पार करने के लिए, अच्छे अच्छे एथलीट आए उसको पार करने के लिए, लेकिन कोई भी पार नहीं कर पाया, क्यों, सबने पहले ही सेफ्टी मेजर पहन लिए थे और वो सेफ्टी मेजर पहन करके जाते थे, सेफ्टी मेजर पहन करके जाते थे और वो पार करने की कोशिश करते थे, उनका अमाउंट जो था वो कट हो रहा था, वो अमाउंट जो था कट हो, लेकिन हाँ ट्राई जरूर कर रहे थे। लेकिन उसके बाद एक एथलीट आया, उसने कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं पहना, ना पैराशूट पहना, ना ही सेफ्टी मेजर पहना, कि वो अगर नीचे गया तो उसने सोच लिया हम ऊपर ही जाना है, ये सोच लिया, और उसने मांगा एक बहुत बड़ा पोल, पोल लेकर के दौड़ा और उसने कॉन्फिडेंटली पोल को कॉर्नर से रखा और उस खाई को पार कर गया। सर ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, समझना यह है कि हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है, हम सेफ्टी मेजर पहने हुए, सर आज ये वाला एग्जाम नहीं निकला ना अगली वैकेंसी आएगी, सर आज ये एग्जाम नहीं निकला ना अगली वैकेंसी ये आएगी, सर आज ये एग्जाम नहीं निकला, हम सेफ्टी मेजर लेके चल रहे हैं, हम कभी सोचते ही नहीं है कि हमारी डू और डाई की कंडीशन कब आएगी, हम अपने कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, सर अभी यूपीएमआरसी है, सर वेस्ट बंगाल है, सर ये भी है वो भी है, सर हम अपने आप पढ़ लेंगे, यूट्यूब से पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये सारी कंडीशन निकल के आती है। तो तुम्हारे दिमाग में है ही नहीं कि ये डू एंड डाई वाली कंडीशन है और यही एग्जाम मेरा लास्ट है, उसके लिए दिन रात एक कर दो, जितने भी सोर्सेस जानने पड़े, इतने सोर्स अवेलेबल हैं नॉलेज के कि तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, इतने सोर्स अवेलेबल हैं। बस वो डू एंड डाई वाली कंडीशन चाहिए तुम्हें, तो
दिमाग में तुम अभी पैराशूट लेकर के उड़ रहे हो कि दूसरा एग्जाम आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो छोड़ दो बस। बिल्कुल क्लियर है। तो अब तुम समझ रहे हो एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि तुम मस्ती में हो, अभी तुम अपने कंफर्ट जोन में हो। हाँ यार ये नहीं तो अगली वैकेंसी है, फिर अगली भी आएगी सर। पता चला तुम्हारे अगले के जो 10 साल जूनियर थे वो तुम्हारे साथ एग्जाम देने बैठे हैं। बहुत बढ़िया नवीन जी, तो बिल्कुल समझने वाली बात है यार। सेवेंथ की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इवन मैं खुद अपना बता रहा हूं, मेरी डू एंड डाई की कंडीशंस थी, मेरी डू एंड डाई की ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं थी। मैं केवल 12 से 13 14 घंटे केवल लाइब्रेरी में बैठता था, उसका रीजन था, और सेल्फ प्रिपरेशन किए हुए थे मैंने बहुत सारी चीजों के। तो वो अजय देवगन की फिल्म आती है जिसमें दो 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 गाड़ियों पे खड़े होके अजय देवगन चल रहे होते, दो नावों पे खड़े होके। लाइफ में ऐसा नहीं होता, दो नावों पे सवार होगे कहीं ना कहीं गिरोगे ही, दो गाड़ियों पे सवार होगे कहीं ना कहीं गिरोगे ही। रियल लाइफ ये बोलती है कि एक एग्जाम स्पेसिफिक होना चाहिए, भले ही सिलेबस एक हो लेकिन पैटर्न अलग अलग होता है और पैटर्न के अकॉर्डिंगली तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। तो एक एग्जाम को पकड़ो अपने पैटर्न के फॉर्म में, बाकी एग्जाम देने जाना है सो दैट तुम्हारी प्रिपरेशन का पता चले। और जिस दिन निकलेंगे ना धड़ाधड़ एग्जाम निकलेंगे, गारंटी मैं दे रहा हूं, ऐसे कई लोगों को देखा है मैंने, कई लोगों को देखा है। ओके मधुकर जी, इसको बाद में बात करेंगे अपन पर्सनली, ठीक है। एग्जाम सेम है लेकिन पैटर्न अलग है। तुम बोलोगे सर गेट का एसएससी का सिलेबस सेम है, गेट में बेटा 3 घंटे में 65 क्वेश्चन है, एसएससी में 2 घंटे में 200 क्वेश्चन है, पैटर्न अलग है, स्ट्रेटजी अलग होनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ नंबर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो भाई कभी कभी ऐसी थोड़ी बहुत बातें कर देता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तुम्हें शेयर कर दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हारी गलतियां कहां हो रही है। बस सेवेंथ की बात करते हैं, एट्थ नंबर की बात करें, यहां पर एट्थ नंबर क्वेश्चंस का आंसर बताओ जल्दी से, एट्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, एट्थ नंबर का आंसर क्या होगा, एट्थ नंबर का आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ जल्दी। व्हेन अ थियोडोलाइट इज इन अ प्रॉपर एडजस्टमेंट, थियोडोलाइट क्या होता है, एक प्रॉपर एडजस्टमेंट में है, और उस कंडीशन में विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बिटवीन द फंडामेंटल लाइंस आर सेटिस्फाइड, निम्न में से कौन सी कंडीशन जो फंडामेंटल लाइंस के लिए है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ये तो हमारा नहीं होता है, ठीक है। द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज एट राइट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन राइट एंगल पे हो ही नहीं सकती, वो क्या होगी, पैरेलली होगी, किसके हम आते हैं पैरेलली हो सकती है, तो हम मतलब ये भी गलत हो गया। The axis of the altitude level is parallel to the line of collimation. Axis of the altitude level parallel to the line of collimation when it is horizontal. Horizontal नहीं vertical. And it is vertical circle reads the zero. तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया है. तो हम बात करते हैं गलत. एक मिनट. क्या हो गया? When the theodolite is in the proper adjustment. Proper adjustment पूछा है. Sorry. मैंने पूछा. मैंने सोचा कि ये पूछा है कि कौन सा सही नहीं है. चलो. तो हम बात करते हैं ये भी क्या हो गया हमारा, फिर तो अगर हमारे प्रॉपर एडजस्टमेंट के बारे में पूछा है तो प्रॉपर एडजस्टमेंट में ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया, तीनों क्या हो गए सही। और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल आर्क टेस्ट बोलते हैं, इसको प्लेट लेवल टेस्ट बोलते हैं जिसको स्पायर टेस्ट से करेक्ट करते हैं, और लाइन ऑफ कॉलिमेशन को इसको कॉलिमेशन टेस्ट बोल रहे होते हैं। तो हमारे तीनों के तीनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर निकल करके आएगा, ठीक है, राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है बात। तो ऑल ही होगा यहां पर आंसर, यहां पर आंसर क्या होगा, ऑल ही होगा, ठीक है, ओके चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो हम आगे 8th की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 9th नंबर की बात करें, यहां पर 9th नंबर का आंसर कितना होगा, 9th नंबर का आंसर कितना होगा जल्दी बताओ, 9th नंबर का आंसर होगा, ठीक है, क्वालिटी बढ़ाओ फोन की, कौन से फोन की, अच्छा ओके हाँ वीडियो को प्रॉपरली क्लियर है, यहां पर कोई भी इश्यूज नहीं है। 9th नंबर की बात करते हैं, यहां पर 9th नंबर का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा, 9th नंबर का,
inclination of the failure plane behind the vertical wall in the passive pressure case is inclined to the horizontal. अगर हम passive pressure case की बात करते हैं तो passive pressure case में जो inclination होता है वो किसके साथ? Horizontal के साथ. कितना निकल के आता है? वो 45 minus 5 by 2 निकल के आता है. क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो यहां से sigma 1 लगेगा और यहां से क्या लगेगा? Sigma 3 लगेगा. तो हमारी मेजर जो एक्सिस होती है, तो मेजर एक्सिस कौन सी होती है? हमारा सिग्मा 3 यहां पर क्या होता है? ये सिग्मा 1 का काम करेगा यहां पर, ये सिग्मा 1 का काम करेगा और ये सिग्मा 3 का काम करता है. ये किसका काम करेगा? ये सिग्मा 3 का काम करता है और ये किसका? ये सिग्मा 1 का. तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है वो वर्टिकल से क्या होता है? ज्यादा होता है. जबकि एक्टिव स्टेट की बात करें तो एक्टिव स्टेट में क्या होता है? एक्टिव स्टेट में यही जो एंगल निकल करके आता है वो कितना है? 45 + 5/2. क्योंकि यहां पर वर्टिकल स्ट्रेसेस हॉरिजॉन्टल से क्या होती है? ज्यादा निकल करके आ रही होती है. अगेन हम बात करते हैं पैसिव केस की बात करें तो पैसिव केस में कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर कैसे डिफाइन होता है? 1 + sin φ / 1 - sin φ डिफाइन होता है. तो kp की वैल्यू हमने यहां पर ये डिफाइन की, ka की वैल्यू. तो ka की वैल्यू कितनी होती है? 1 - sin φ / 1 + sin φ यहां पर डिफाइन हो रहा होता है. तो ये सारी चीजें हमने यहां पर ध्यान देने वाली होती हैं. तो 9th की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर निकल करके आएगा. चलो 10th नंबर की बात कर लो. यहां पर 10th नंबर क्वेश्चंस क्या बोलता है, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा. जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा. चलो बहुत बढ़िया. हम अगर फॉर अ प्रॉपर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट द वॉटर सीमेंट रेशियो वेरीज फ्रॉम. प्रॉपर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए वॉटर सीमेंट रेशियो कहां से कहां वेरी करना चाहिए? तो वॉटर सीमेंट रेशियो जनरली जो हमारा वेरी कर रहा होता है वो 0.4 से लेकर के 0.6 के बीच में वेरी कर रहा होता है. कितना? 0.4 से लेकर के 0.6 के बीच में वेरी करता है. तो 10th की बात करें, यहां पर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. चलो 11th नंबर की बात करो भैया. द डिफरेंस इन द श्रिंकेज बिटवीन सरफेस एंड द इंटीरियर ऑफ कंक्रीट रिजल्टेंट. The differences in shrinkage between surface and interior of concrete resultant. तो increase जो हमारा shrinkage होता है किस पर? Surface पर और interior पे. Interior पे और surface पे उनका जो difference निकल के आता है वो किसमें result निकल के आता है? वो हमारा result निकल के आता है crazing. किसमें? Crazing में. Efflorescence हो नहीं सकता. क्यों? Efflorescence surface पे होने वाला phenomena है. सेग्रीगेशन हो नहीं सकता क्योंकि श्रिंकेज हो रहा है और श्रिंकेज के पहले ही तो सेग्रीगेशन होगा. और ब्लीडिंग कब होगी? जब हमारा बहुत ज्यादा वाटर वहां पर अवेलेबल होगा. तो ये तीनों ऑप्शन हो नहीं सकते हैं. इसलिए हम एलिमिनेशन प्रोसेस से भी जाएंगे. तो एलिमिनेशन प्रोसेस से भी जाने पर हमारा कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर जो 10 ऑप्शन नंबर जो है 2 है वो हमारा राइट आंसर निकल करके आता है. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो राइट आंसर होगा. 11th की बात करें, 12th की बात करें, 12th की बात 13 की बात करते हैं. बच्चों जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करते जाओ और सेशन को लाइक करो. जितने लोग हैं उतने लाइक होने चाहिए, तब तो मजा आता है. और हम बात करते हैं, मुझे ऑक्सीजन मिल जाती है. ठीक है, जल्दी से लाइक करो सेशन को. बहुत बढ़िया. द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल डिपेंड्स ऑन. सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी के बारे में पूछा गया है. तो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी किन किन बातों पर डिपेंड कर रही होती है? तो हम बात करें बियरिंग कैपेसिटी, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितना निकल के आता है? CnC + QnQ + ½ βn γ निकल करके आता है. तो क्या साइज ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी? साइज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड हो सकती है. क्यों? क्योंकि NC, NQ and N gamma किस पर डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स ऑन फाई पर डिपेंड कर रहे हैं. और जब फाई पर डिपेंड कर रहे हैं तो साइज ऑफ द पार्टिकल फ्रिक्शन को डिफाइन करेगा. शेप ऑफ द पार्टिकल बिल्कुल डिफाइन करेगा. शेप ऑफ द पार्टिकल भी होगा जो डिफाइन करेगा. क्यों? शेप ऑफ द पार्टिकल के बेसिस पे फ्रिक्शन एंगल डिसाइडेड होगा. फ्रिक्शन एंगल डिसाइडेड होगा तो हम अपने शेप ऑफ द पार्टिकल भी डिफाइन करेंगे. और साइज ऑफ द पार्टिकल से क्या होगा? कोहेशन से भी तो डिसाइड होगा कि कोहेशन लेस सॉइल है या कोहेसिव सॉइल है. तो इसमें भी डिपेंड करेगा. कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल, बिल्कुल कोहेसिव प्रॉपर्टी पर भी डिपेंडेंसी निकल करके आ रही होती है. इसलिए हमारे तीनों ऑप्शन सही है और हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट होगा. अच्छा, जब हम बात कर ले प्योरली कोहेसिव सॉइल की, तो प्योरली कोहेसिव सॉइल में क्या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी साइज ऑफ फुटिंग पर डिपेंड करेगी या नहीं? साइज ऑफ फुटिंग पर डिपेंड करेगी या नहीं? बहुत बढ़िया. साइज ऑफ फुटिंग पर डिपेंड करेगी कोहेसिव सॉइल के लिए. प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या साइज ऑफ फुटिंग पर डिपेंड करेगी या नहीं? बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी.
बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हम आके एन गामा की वैल्यू उस कंडीशन में क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो बी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो साइज ऑफ फुटिंग पर डिपेंड नहीं करेगी, बट डेप्थ ऑफ फुटिंग पर डिपेंड करेगी, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या निकल के आती है, गामा इंटू डीएफ निकल करके आएगा, इसलिए डेप्थ ऑफ फुटिंग पर डिपेंडेंसी निकल करके आ रही होती है। तो ये कंडीशन होगी 12th नंबर की, और तीन चार क्वेश्चन यहां पर और देख लिया हमने। चलो 13 नंबर की बात करें, एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ द एरिया शुड बी, अगर हम बात करते हैं एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन द एरिया शुड बी कितना होना चाहिए, अगर हम एरिया में एक्यूरेसी की बात करते हैं तो कितना निकल करके आना चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वो अल्टीमेट नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होती है सीएनसी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो हम बात करें किस पर डिपेंडेंसी निकल करके आ रही होती है, यहां पर हम बात करते हैं कितना होता है, 0.01 मीटर स्क्वायर होता है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो 0.01 इंटू 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर इंटू स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना रहेगा 10^4 यानी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर। अगर एमएम में करना हुआ तो क्या हुआ, 10^4 एमएम स्क्वायर निकल करके आएगा, कितना 10^4 mm स्क्वायर यहां पर निकल करके आएगा। तो एक यूनिट हमें ध्यान रखना है, उसका कन्वर्जन करके अलग अलग तरीके से हम यहां पर निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीके से यहां पर निकाल सकते हैं। तो 13 की बात करें, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हमारा कितना होता है, 0.01 क्विंटल होता है। अगर हम 0.01 क्विंटल को लिखें और क्या इसको 0.001 टन भी लिखा जा सकता है, यानी 0.001 टन भी लिखा जा सकता है, यानी या इसको 1 किलोग्राम लिखा जा सकता है, यानी 1 किलोग्राम भी लिखा, तो किसी भी तरीके से यहां पर लिख सकते हैं, बट हमारा जो मेन यूनिट है जिसका हम एक्यूरेसी चेक करना है वो 0.01 क्विंटल तक लेकर के चल रहे होते हैं, 0.01 क्विंटल। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है जिसमें 3-4 यूनिट लिखे हो और नीचे ऑल ऑफ द अबव मेंशन हो, तो ऑल ऑफ द अबव वाला भी तुमको चेक करना पड़ेगा कि वो सही है या गलत है, सही है या गलत है, ठीक है, क्लियर है बात। तो इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, बहुत बढ़िया। नाम, नाम क्या है, किसका नाम, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 13 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 14 नंबर की बात करो मेरे बच्चों, 14 नंबर का आंसर कौन देगा यहां पर, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट सेक्शन शुड सेटिस्फाई। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी जो होती है प्री स्ट्रेस सेक्शंस की, वो किसको सेटिस्फाइड कर रहा होता है, किसको सेटिस्फाइड कर रहा होता है, किसको सेटिस्फाइड कर रहा होता है। तो हम बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी प्री स्ट्रेस में जो सेटिस्फाइड करेगा वो किसको करेगा, वो क्रैकिंग क्राइटेरिया को करेगा क्या, बिल्कुल क्रैकिंग क्राइटेरिया को बिल्कुल हमारा अफेक्ट कर रहा होता है। दूसरा क्या, डिफ्लेक्शन को करेगा, सर्विसिबिलिटी है तो डिफ्लेक्शन को तो ऑब्वियसली बात करने ही वाला है बाय डिफॉल्ट, तो क्रैकिंग भी और डिफ्लेक्शन भी, और किसको, मैक्सिमम कंप्रेशन को करेगा, क्रैकिंग ओनली नहीं करेगा, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग नहीं करेगा केवल, डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन ये भी नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ज्यादा बेटर आता है, तीनों पैरामीटर को जब यहां पर कर रहा है तो ऑप्शन कौन सा बेटर निकल करके आता है, ऑप्शन जो निकल करके आता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 निकल के आएगा, क्योंकि सर्विसिबिलिटी में कंप्रेशन क्राइटेरिया भी हम देख रहे होते हैं, सो दैट क्रैक्स जनरेट ना हो, इतना टेंशन देना है, प्री स्ट्रेस देना है कि क्रैक्स डेंट नहीं, क्रैक्स वहां पर, क्रैक्स यहां पर नहीं आए, ठीक है, होता है क्या, जल्दी बताओ, बिल्कुल होता है यार, बिल्कुल होता है। तो ये कंडीशन निकल करके आती है। चलो तो हम 14 की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो 15 नंबर की बात करो, कंप्रेशन क्राइटेरिया यहां पर चेक करना पड़ता है बेटा, यहां पर चेक करना होता है, कॉलेप्स में होगा बेटा, प्री स्ट्रेस के बारे में पूछा है, आरसीसी के बारे में नहीं पूछा है, देखो यहां पर प्री स्ट्रेस के बारे में पूछा है, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट हो गई गुगली, यहीं पर प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के बारे में पूछा है, ठीक है, प्री स्ट्रेस वाले में पूछा है, समझ में आया अभी, चलो हाँ अच्छा, अब बोलेंगे अच्छा ये वर्ड नहीं पढ़ पाए थे हमने, तो आरसीसी देखा और तुरंत लगा दिया टाक से आया है, क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो चलो बहुत बढ़िया। तो हम बताए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर लॉस इन द पाइप, पाइप में मेजर लॉस कौन से निकल करके आते हैं, फिर यार एफएम का क्वेश्चन आ गया, कौन सा होता है, फ्रिक्शन लॉस जो होता है वो मेजर लॉसेस निकल करके आते हैं पाइप में, सडन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण निकल के आता है, वो इतना ज्यादा मेजर नहीं होते हैं। तो 15 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर निकल कर आएगा। 16 की बात करो, 16 का आंसर कौन बताएगा, 16 का आंसर कौन बताएगा, ये बताओ 16 का आंसर कौन बताएगा, जल्दी बताओ 16 का आंसर, पहले
तो मैं जाऊं क्या है, समझ में नहीं आया मेरे को यार। चलो तो हम बात करते हैं, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती दिमाग में कि तुम्हारे दिमाग में आरसीसी देखा तो तुम्हें दिमाग में क्या आता है, तो मैं बताऊं क्या आता है कि वो शख्स मेरी सांसों में समाया हुआ सा लगता है, वो शख्स मेरी सांसों में समाया हुआ सा लगता है, और वो शख्स पराया होकर भी अपना बहुत सा लगता है, वो शख्स पराया होकर भी अपना बहुत सा लगता है, और मिलने की तमन्ना तो हर रोज होती है मुझे उस शख्स से, मिलने की तमन्ना तो हर रोज होती है मुझे उस शख्स से, लेकिन क्या करें आने जाने में किराया बहुत लगता है। क्या बात है, अभी तो यही कहा मैं, आने जाने में किराया बहुत लगता है, बड़ी मुसीबत है। चलो चलो आगे बढ़ो, जल्दी आगे बढ़ो। हाँ तो आप बात करें, 16 नंबर का आंसर कौन बताएगा मुझे, 16 नंबर, जेब भारी है, जेब जल्दी से खाली करो। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या ये लिखा हुआ, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो पिकनोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, अगर हम पिकनोमीटर की बात करते हैं तो पिकनोमीटर हम बात करते हैं किसके लिए निकाल कर क्या, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं यहां पर किस लिए होता है, तो पिकनोमीटर वॉइड रेशियो एंड टाइड डेंसिटी बिल्कुल नहीं निकालते, वाटर कंटेंट वॉइड रेशियो गलत बात है, वॉइड रेशियो नहीं निकालते, वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी नहीं निकालते, तो कौन सा निकालेंगे, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। और वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है W2 - W1 / W3 - W4 into G - 1 / G - -1 × 100 निकल कर के आता है, जहां पर W1 क्या होता है, W1 वेट ऑफ एम्प्टी पिकनोमीटर होता है, W2 क्या होता है, वेट ऑफ पिकनोमीटर प्लस सॉइल सैंपल, W3 क्या होता है, वेट ऑफ पिकनोमीटर प्लस सॉइल सैंपल फिर रिमेनिंग वॉल्यूम फिल्ड विद वॉटर, और W4 क्या होता है, पिकनोमीटर कंप्लीटली फिल्ड विथ वॉटर ओनली, कंप्लीटली फिल्ड विथ वॉटर ओनली। तो यहां पर W1, W2, W3 और W4 निकालते हैं, जबकि G की वैल्यू निकालनी हो तो क्या निकालते हैं, W2 - W1 / W4 - W1 - W3 - W2 निकल करके आ रहा होता है। तो हम बात करें जी की वैल्यू यहां पर इस तरीके से निकालते हैं, तो दोनों फॉर्मूले याद रखना है, इन दोनों फॉर्मूले के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कभी ना कभी इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अरे काहे परेशान हो रहा है मधुकर जी, तो 16 की बात करते हैं यहां पर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 16। 17 की बात करो यहां पर, 17 का आंसर जल्दी से बताओ, 17 का आंसर जल्दी से बताओ, 17 का आंसर जल्दी से बताओ मुझे, 17 का आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो गया मधुकर को भैया, काहे इतने बौखला रहे हैं। To change the reading on the circle, like measuring an angle. तो हम आते हैं to change the reading on circle while changing while measuring the angle. तो कितना क्या कर रहे होते हैं? जल्दी बताओ। तो हम बात करते हैं क्या होता है? Upper clamp को हम क्या करते हैं? Loose कर रहे होते हैं। Upper clamp को क्या करते हैं? Loose कर रहे होते हैं। ठीक है? तो हम बात करते क्या है, अपर क्लैंप को क्या करते हैं, लूज कर रहे होते हैं, और लोअर क्लैंप को क्या कर रहे होते हैं, टाइट कर रहे होते हैं। तो अपर क्लैंप को लूज करते हैं और लोअर क्लैंप को क्या करते हैं, टाइट कर रहे होते हैं। तो चेंज द रीडिंग ऑन द सर्किल बाय मेजरिंग द एंगल, क्या कर रहे होते हैं, अपर क्लैंप इज लूज एंड लोअर क्लैंप इज टाइटन कर रहे होते हैं। तो हम बात करें 17 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2, ये क्वेश्चन किससे है, इंस्ट्रूमेंट से निकल करके आता है, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट से निकल करके आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा 17 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो 18 नंबर की बात करते हैं यहां पर, 18 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से, 18 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से, चलो चलो बहुत बढ़िया। द लाइन विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वॉटर इज नोन एज, जो लाइन प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वॉटर उसको क्या बोल रहे थे, प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन द वॉटर, वॉटर को सेट, वॉटर में सेट होने की प्रॉपर्टी रखता है, वो कौन सा लाइन होता है, क्या वो फैट लाइन हो सकता है, फैट लाइन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्या फैट लाइन में हम बात करते हैं, फैट लाइन में फिर वॉटर एड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम हाइड्रोलिक लाइन बोलते हैं, जिसकी हाइड्रोलिसिटी काफी हाई होती है, जिसके कारण वो अंडर वॉटर सेटिंग भी यहां पर कर सकता है, तो अंडर वॉटर सेटिंग में भी हेल्पफुल होता है, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, हाइड्रोलिक। हाइड्रेटेड लाइन क्या होता है, जिससे हम वॉटर को वेपोरेट
हाइड्रेट कर देते हैं, वो हमारे क्या निकल के आता है, वो हाइड्रेटेड लाइम निकल के आता है। और क्विक लाइम क्या होता है, जो तुरंत वाटर के साथ रिएक्शन कर ले, CaO जिसे हम बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम, तो हमारा क्या होता है वो क्विक लाइम होता है, जो तुरंत वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा होता है उसको क्विक लाइम बोल रहे होते हैं। तो 18 की बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 19 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से, 19 नंबर का आंसर क्या होगा, 19 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है जल्दी 19 नंबर का, बहुत बढ़िया 19 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी सभी। फॉर अ गिवन शेयर फोर्स अक्रॉस द सिमेट्रिकल आई सेक्शन द इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द सेल। अरे यार इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस कहां पर मैक्सिमम निकल करके आएगी, कैसा बच्चा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम लोगों से, ठीक है, तो तुम लोगों से बच्चा सा क्वेश्चन, तो शेयर स्ट्रेस की इंटेंसिटी कहां पर मैक्सिमम है, तो पता लगा दो TJ इज इक्वल टू TR, तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर निकल के आता है। तो जहां पर रेडियल डिस्टेंस सबसे ज्यादा निकल करके आती है, जहां पर रेडियल डिस्टेंस सबसे ज्यादा निकल करके आएगी वहां पर क्या होगी, वहां पर हमारा शेयर स्ट्रेस क्या होगी, मैक्सिमम निकल के आएगी। तो क्या हुआ, जंक्शन ऑफ द फ्लेंज एंड द वेव बट ऑन वेव, तो ये तो हो गया, जंक्शन ऑफ द फ्लेंज एंड ये भी गलत हो गया, सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन नहीं हो गया, कहां हो गया, एक्सट्रीम फाइबर की कंडीशंस में निकल करके आएगा, कहां पर, एक्सट्रीम फाइबर की कंडीशन में निकल करके आएगा, सॉरी क्या पूछा है, शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम पूछा है, सिमेट्रिक आई सेक्शन में शेयर स्ट्रेस पूछा है, सॉरी। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर, सही बोल रहा हूं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर निकल गया सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन, एक्सट्रीम फाइबर पे नहीं होगा, कहां सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन, क्योंकि जब हम बात करते हैं यहां पर जो लोड का हम डायग्राम बनाते हैं वो कैसा आता है, वो कुछ इस तरीके से आता है या नहीं, तो यहां पर क्या है, मैक्सिमम जो आता है वो कहां पर आता है, सेंट्रॉइड पर आ रहा होता है, मैक्सिमम कहां पर आ रहा होता है, वो सेंट्रॉइड पर आ रहा होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ, ठीक से देखने के बाद ही मुझे पता चला कि सी आंसर होगा, जब मैं सी पर उसके बाद डी पर पहुंचा तो मुझे लगा, ठीक है, तो 19 की बात है, मेरे साथ भी वैसे हो गया, क्वेश्चन देगा नहीं, हाँ मुझे आता है वही हो गया, ठीक है, तो हम बात करते हैं 19 की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 19 20 नंबर की बात करते हैं, यहां पर 20 नंबर की बात करते हैं, जो भी है ये जो भी हो रहा है, कितना क्वेश्चन लाते हैं सर, बेटा क्वेश्चन तो बहुत है अभी, काहे टेंशन लेते हो, हाँ मिनिमम टॉप एंड बॉटम पर होगा, चलो कोई नहीं, सेशन को शेयर करते रहो, जल्दी से क्वेश्चन आते रहेंगे, सेशन शेयर करते रहो, क्वेश्चन आते रहेंगे, क्वेश्चन जाते रहेंगे, तुम सेशन को शेयर करते रहो और अपनी प्रेजेंस को मार्क करते रहो, जितना ज्यादा तुम शेयर करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। यूनिट ऑफ डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट इज, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट की जो यूनिट निकल के आती है वो क्या होती है, सभी को पता है, पर डे निकल करके आती है, पर डे क्या होती है, डीऑक्सी, और ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या निकल के आती है, पर डे निकल करके आ रही होती है, वो भी कितना निकल के आती है, पर डे निकल करके आ रही होती है। और हम बात करें ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन इसमें प्यूरिफिकेशन के टाइम में हमारे निकल करके आ रहे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करो, यहां पर फिर से क्वेश्चन आ गया है, एम बाई आई इज इक्वल टू एफ बाई वाई, तो हम बात करेंगे सौरभ साहू जी भैया, रिजल्ट आएगा, पेपर दे दिया, रिजल्ट भी आएगा, काहे टेंशन लेते हो तुम, जल्दी ही आएगा, और अभी तो फाइनल आंसर की तो आने दो, जल्दी आ जाएगा, बहुत बढ़िया प्रियंका जी, चलो तो हम बात कर रहे हैं यहां पर क्या निकल करके आता है, तो हम बात करते हैं एंड इंपॉर्टेंट अजम्पशंस इन द डेरिवेशंस ऑफ द इक्वेशन एम बाई आई सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई वाई आर, नोटेशंस हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स फॉर बीम क्रॉस सेक्शन अंडर द फ्लेक्सर फेस, तो हमारा जो निकल करके आता है वो क्या है, न्यूट्रल एक्सिस पासिस थ्रू द सेंट्रॉइड, सॉरी गाइस, न्यूट्रल एक्सिस पासिस थ्रू द सेंट्रॉइड, तो ये हमारा सही है, बिल्कुल सही है, न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस लाइज अबव द सेंट्रॉइड, अबव द सेंट्रॉइड नहीं होता है, न्यूट्रल एक्सिस लाइज बिलो द सेंट्रॉइड, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता है, क्योंकि पहला वाला यहां पर पुष्टि कर रहा है कि ये पहला वाला इसका आंसर हो सकता है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो राइट आंसर निकल करके आएगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 22 की तरफ चलो जल्दी से, तो 22 क्या बोलता है, अ लिक्विड वुड वेट द सॉलिड इफ एडहेशन फोर्स एज कंपेयर टू द कोहेशन फोर्स आर, एडहेशन फोर्स जो होगा वो कोहेशन फोर्स से क्या होगा, ज्यादा निकल करके आएगा, ज्यादा, एडहेशन का मतलब होता है फोर्सेस बिटवीन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट,
टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्सेस निकल के आएगा वो एडिशन फोर्स होगा, और सेम ऑब्जेक्ट के बीच में निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम कोहेशन फोर्स बोल रहे होते हैं। तो अगर पानी के मॉलिक्यूल से चिपके रह गए तो कोहेशन फोर्स ज्यादा हुआ तो वेटिंग प्रॉपर्टी नहीं आएगी, लेकिन अगर पानी के मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाते हैं एडिशन फोर्स कोहेशन फोर्स से ज्यादा हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, ग्लास गीला हो जाएगा। इसलिए हम बात करें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 2 इज द राइट आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। 22 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 22 के बाद 23 पर चलते हैं। लैमिनार फ्लो इज टेकिंग प्लेस इन पाइप ऑफ डायामीटर 0.3 मीटर। लैमिनार फ्लो जो हो रहा है वो डायामीटर 0.3 मीटर के पाइप में हो रहा है। द मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी है, द मीन वेलोसिटी कितनी होगी भैया, मीन वेलोसिटी यहां पर कितनी निकल करके आएगी, जल्दी से आंसर बताओ। मीन वेलोसिटी विल बी मीन वेलोसिटी विल बी तो बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी निकालना है नहीं, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, कितना यू मैक्सिमम बाई 2 हो जाएगा, बस बात खत्म। तो 1.8 बाई 2 यानी 0.9 मीटर पर सेकेंड निकल करके आ जाएगा। तो 0.9 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या ही यार, पंचायत घर घर की बातें चलने लगी है यहाँ पर। चलो तो 23 की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 24 की बात करते हैं यहाँ पर, 24 का आंसर बताओ जल्दी से। ट्वेंटी फोर की बात करते हैं यहाँ पर जल्दी से बताओ। कैलकुलेट द प्रिलिमिनरी एस्टीमेट फॉर अ बिल्डिंग हैविंग अ टोटल कारपेट एरिया ऑफ 500 स्क्वायर मीटर। कितना, 500 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया दिया है, अभी ये बात ध्यान रखना, प्लेन एरिया नहीं है, ये कारपेट एरिया है। एक्स्ट्रा प्रोविजन फॉर 10% ऑफ द कारपेट एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर द वॉल एंड बरामदा। वॉल एंड बरामदा के लिए कितना है, 10% का प्रोविजन। देन द प्लिंथ एरिया रेट इज दिस वन स्क्वायर मीटर। तो ये कारपेट एरिया है, कारपेट एरिया से क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले प्लिंथ एरिया निकालना पड़ेगा। कारपेट एरिया से क्या निकालना पड़ेगा, प्लिंथ एरिया निकालना पड़ेगा। तो कारपेट एरिया से प्लिंथ एरिया निकालो पहले, तो कारपेट एरिया से प्लिंथ एरिया निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो, फिर उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जल्दी से बताओ कितना आएगा। तो हम बात करें कारपेट एरिया है, और कारपेट एरिया का जो 10% है, मतलब कितना, 10% प्रोविजन देना है, तो 1.01, अगर हम बात करें 1.10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल एरिया कौन सा आ गया है, प्लिंथ एरिया आ गया है, और प्लिंथ एरिया रेट कितना दिया है, 1200 दिया गया है, यानी तो 1200 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही 1200 से मल्टीप्लाई किया आंसर क्या निकल करके आ रहा है, सब बता दो मुझे, 66 4 times 0 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर निकल गया है। तो 24 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 25 की बात तुम्हें बता दो जल्दी से, 25 की बात है, हमारा आंसर दो जल्दी से। 25 का आंसर क्या होगा, 6 पेटी, बहुत बढ़िया। 25 का आंसर क्या होगा, सेशन को शेयर करो, और जितने लोग प्रेजेंस है उतने लोग लाइक जरूर करें जल्दी से, बहुत बढ़िया। A fixed beam is subjected to the uniformly distributed load. एक fixed beam है, वो किस पर subjected है? Uniformly distributed load पर है. Uniformly distributed load यानी W kilonewton per meter के load पर है. ठीक है? Entire span में. The joints of the contour flexures will occur on either side of the center at a distance of this one. तो हम बात करते हैं joint of contour flexure. जब हम contour flexure की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा। यहां पर क्या, इस तरीके से कुछ यहां पर निकल करके आएगा, ये यहां पर कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा, और अगर इस तरीके से निकल के आएगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्चर दोनों साइड से कितनी डिस्टेंस पर अवेलेबल होंगे, दोनों साइड से कितनी डिस्टेंस पर अवेलेबल होंगे, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा, हम बात करते हैं L/√3 पर होंगे। अब यहां पर हमें क्या है, इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, तो पूरी थ्योरम लगानी पड़ेगी, और थ्योरम लगा के आंसर निकालना पड़ेगा। अब चाहे आप मोमेंट थ्योरम लगा लें या कोई भी थ्योरम लगा करके यहां पर आंसर निकाल सकते हैं, इसलिए हम बात करें डायरेक्टली यहां पर आंसर है, ठीक है। चलो तो हम बात कर रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर ये निकल गया, ठीक है।
तो हमें 25 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। 26 की बात करते हैं, 26 की बात करते हैं। देखो जिनको पढ़ना है वो यहाँ फोकस करो, बाकी सब चैट में फोकस करो। जिनको पढ़ना है वो यहाँ फोकस कर सकते हैं, बाकी सब चैट में फोकस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता हूं, तुम मुझे बोल नहीं सकते हो कि सर पढ़ाओ मत, ठीक है। चलो, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एन एम्बैंकमेंट। ऐसा लग रहा पहली बार नेट मिला है चैट करने से पब्लिक प्लेटफॉर्म में। टाइपिंग स्पीड बताना चाह रहे हैं क्या मेरे को? अरे मेरी भी टाइपिंग स्पीड बहुत तेज रही है, टेंशन मत लो, इतनी जल्दी जल्दी भेज देता हूं। सेशन इज लाइव, सेशन इज लाइव, सेशन इज लाइव, तो समझ लो कितनी जल्दी भेजता हूं। जो खानदानी रईस है वो रखते हैं मिजाज धर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं रही है। समझ में आई बात को? चलो बहुत बढ़िया, चलो। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एन एम्बैंकमेंट एट 30 मीटर इंटरवल आर 20, 40, 60, 50 एंड 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 20, 40, 60, 50 एंड 30 मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली है। देन द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिज्मॉइडल फॉर्मूला इज, क्या पूछा गया है? प्रिज्मॉइडल फॉर्मूला। और प्रिज्मॉइडल फॉर्मूले का मतलब क्या होता है हमारा? प्रिज्मॉइडल फॉर्मूले का मतलब होता है हमें सिम्पसन रूल की बात यहां पर करनी है। तो सिम्पसन रूल की बात करेंगे तो यहां पर वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आएगा? हम बात करें डी बाई थ्री ए वन प्लस ए टू एन प्लस फोर टाइम्स ऑफ ए टू प्लस ए फोर एंड सो ऑन, मतलब इवन नंबर ऑफ ऑफसेट, प्लस टू टाइम्स ऑफ ए थ्री प्लस ए फाइव एंड सो ऑन निकल करके आएगा, और इसमें वैल्यू रखना पड़ेगी। तो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर और ए फाइव, तो हम बात करेंगे यहां पर कितना है, हम बात करेंगे 30/3 निकल करके आएगा। और क्या होगा यहां पर? यहां पर होगा 20+30 और फोर टाइम्स ऑफ कितना, 40+50, और हमारा यहां पर निकल करके आएगा 2 times of 60 निकल करके आएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर क्या निकल जाएगा? इसको सॉल्व करने पे जो आंसर निकल के आता है 5300 मीटर क्यूब निकल करके आता है। कितना? 5300 मीटर क्यूब, ठीक है, ओके। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 27 की बात करो, यहाँ पर 27 का आंसर बताओ जल्दी से, 27 का आंसर बताओ, 27 का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा 27 का आंसर जल्दी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज अ बॉन्डिंग बॉन्डिंग एडमिक्सचर। बॉन्डिंग एडमिक्सचर्स के फॉर्म में किस मटेरियल को यहां पर यूज किया जा रहा होता है? तो बॉन्डिंग एडमिक्सचर्स के फॉर्म में जो हम यूज कर रहे होते हैं वो कौन सा होता है? नेचुरल रबर। नेचुरल रबर को भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं। सिंथेटिक रबर की बात करें तो सिंथेटिक रबर को भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें, देखो कहां पर बॉन्डिंग एडमिक्सचर्स की बात करें, जैसे हम पेवमेंट में बॉन्डिंग एडमिक्सचर्स की बात करते हैं, पेवमेंट के केस में हो सकता है। अगर आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वहां पर भी बॉन्डिंग एडमिक्सचर्स के फॉर्म में हम वहां पर यूज किया जा सकता है। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को भी वहां पर यूज करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कई बार आरसीसी का स्लैब वगैरह डालते हैं तो पॉलीमर्स, वो पॉलीथिन वगैरह, वो सारी चीजों को डाल देते हैं। सो दे एक प्रॉपर बॉन्ड है, कनेक्टिविटी वहां पर निकल गया। तो इसलिए हम बात करते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहां पर राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। 27 के बाद 28 की बात करो, यहां पर जल्दी से आंसर बताओ इसका, जल्दी से आंसर बताओ 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर जल्दी। तो हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ऑफसेट्स इन्वॉल्व लेस मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड। मेथड ऑफ ऑफसेट, तो मेथड ऑफ ऑफसेट में दो तरीके के ऑफसेट डाल करके आप मेजरमेंट करते हो, एक परपेंडिकुलर एक ऑब्लिक। ऑब्लिक में हमें मेजरमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ऑब्लिक जनरली लॉन्ग ऑफसेट के लिए प्रेफर करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा हम बात करते हैं टीडीएस प्रोसेस निकल करके आएगी, जबकि परपेंडिकुलर में क्या होता है, टीडीएस प्रोसेस नहीं निकल के आती है। तो लेस मेजरमेंट जो हम करना है वो क्या होगा, मेथड्स ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट यहां पर निकल करके आएगा, मेथड्स ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट निकल करके आएगा। 29 की बात करो, यहां पर क्या होगा, द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज डन इन अ। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट की बात कर रहा है तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट कहां पर, कहां पर लिया जाता है जल्दी बताओ, कहां पर लिया जाता है?
बहुत बढ़िया यार, सभी लोग शेयर करते जाओ, शेयर करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। वेस्ट बंगाल में तहलका मचा देंगे इस बार अपन, ठीक है जल्दी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए ब्रेन एपरेटस यूज किया जाता है, ब्रेन एपरेटस नहीं होता है। लीचर टीयर किसके लिए होता है? साउंडनेस के लिए लीचर टीयर करते हैं। वेन एपरेटस किसके लिए होते हैं? शियर स्ट्रेस के लिए वेन एपरेटस हम यूज कर रहे होते हैं। और विकेट एपरेटस की बात करें तो विकेट एपरेटस किसके लिए? कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। तो यहां पर लॉन्ग एंड शॉर्ट भी है सर। अच्छा, तो हम बात करते हैं यहां पर ये कंडीशन निकल करके आ रही होती है। तो यहां पर 29 की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, यहां पर मैं हटा देता हूं तुम्हारा ये, तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो। हम बात करते हैं यहां पर टेक्योमेट्रिक फॉर्म के फॉर्मुले की बात करते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद मैं फिर से बता दे रहा हूं, आज लास्ट दिन है, लास्ट कुछ घंटे बचे हुए हैं और लास्ट कुछ घंटे के अंदर अगर आप अपने सब्सक्रिप्शन को ऐड ऑन करना चाहें तो वेस्ट बंगाल पीएससी की अच्छी से तैयारी हो सकती है, जेकेएसएसबी की हो सकती है, एसएससी की हो सकती है, आरआरबी की हो सकती है, क्योंकि यहां एई जेई सिविल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल सस्ते दामों में मिल रहा है और 60+30% ऑफ पे और 4,199 नहीं इतना भी नहीं, वैभव कोड को अप्लाई करोगे तो इससे कम में भी मिल रहा है और स्मार्टफोन जीतने का लास्ट मौका तुम्हें मिल रहा है। कैसे करना है सर? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हो, यहां पर शो मोर में जाओगे, यहां पर मिलेगा आपको एई जेई सिविल की लिंक। जैसे ही एई जेई सिविल की लिंक पर आप क्लिक करते हैं, वैसे ही आपको क्या मिलेगा? अंतिम अवसर मिल रहा है, अंतिम अवसर मिल रहा है, जिसमें आपको क्या मिल रहा है? हमें सभी कुछ यहां पर मिल रहा है। इसमें अगर हम बात करें कि हमें वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, सुपर टीचर्स के साथ वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, डेमो क्लासेस मिल रही हैं, हमें मिल रहा है यहां पर लाइव क्लासेस मिल रही हैं सुपर टीचर्स के साथ, यहां पर हम आते हैं निम्बस लर्निंग, स्वेट एकेडमी, रोहित यादव सिविल, ये सारे इंस्टीट्यूट एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिल रहे होते हैं विदाउट एनी डिले। और लाइव सीरीज में बात करें तो लाइव क्लासेस मिल रही है, तो इसमें डाउट्स आपके सॉल्व होंगे, रिविजन सेशन होगा आपके, यहां पर पीवाईक्यू एमसीक्यू सेशन होने वाले, स्ट्रेटजी सेशंस होते हैं जिसमें हम स्ट्रेटजी की बात पूरी करते हैं। और यहां पर सबसे अच्छी बात है, करंट अफेयर्स के साथ साथ एक और सेक्शन निकल के आता है लाइव मॉक टेस्ट। तो लाइव मॉक टेस्ट यहां पर होने वाला है और आपके वैभव सर यहां पर आपको टेस्ट देकर के बताएंगे कि किस तरीके से आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और उसको एनालिसिस कैसे करना है। देन हम बात करते हैं आपके स्टडी नोट्स निकल करके आते हैं और हम देन बात करेंगे प्राइसिंग। तो सर 12+6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4200 बता रहा है सर यहां पर, सर 6+3 मंथ बता रहा है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है अभी, केवल 6 मंथ का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है 3 मंथ की, तो 3220। कुछ मत करो, अप्लाई कूपन करो, और कूपन क्या अप्लाई करोगे? VAIBHAV। तो क्या अप्लाई किया? वैभव कोड को जैसे ही अप्लाई कर दिया यहां पर, यही सब्सक्रिप्शन 38 यानी 3900 का हो गया है ईयरली सब्सक्रिप्शन, जिसमें हम 18 मंथ के मिल रहा है 6+3 मंथ के लिए 2989। तो अगर बेस्ट बंगाल वाले चाहें तो ये सब्सक्रिप्शन एड ऑन कर लें 6+3 मंथ का 2989 रुपीज में और अपनी प्रिपरेशन को करें बूस्ट और अपने सिलेक्शन को करें इंश्योर। साथ ही साथ JKSSB वाले स्टूडेंट्स भी इसी सब्सक्रिप्शन को एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि पेपर जो एक्सपेक्टेड होगा वो मई जून में एक्सपेक्टेड होगा और उस कंडीशन में आपका यहां पर सारा टेक्निकल सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या कोड याद रखना है? बस वैभव कोड के साथ। टेलीग्राम चैनल मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर ही दिया है, फिर भी एक बार लिख लो, अगर आपको लगता है नए स्टूडेंट है तो वैभव सर सुपर कोचिंग नाम से आप इसको इनरोल कर सकते हैं। वैभव सर सुपर कोचिंग नाम से सर्च कीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा। और कोड याद रखना है वैभव कोड, याद क्या रखना है? वैभव कोड के साथ इनरोल करना है। क्लियर है बात? चलो तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद गाइस, और डेली हमारे सेशन शाम को 9 से 10 के बीच में होते हैं, तो बिल्कुल प्रेजेंस रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं टेलीग्राम पर बाकी लोगों से, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।